गाइस, जो अभी आपने देखा वो सचमुच डरा देने वाला मंजर था, क्योंकि हमारे साथ एक प्रॉब्लम हो गई थी। जैसे ही हम नारायणी माता धाम से निकले, वैसे ही हमारी गाड़ी का एक टायर फट गया था और हमें पार करना था टहला की पहाड़ियों को, जिसके घुमावदार रास्ते बहुत ही खतरनाक थे। एक बार तो हमारी बस एक तक से थोड़ी सी अड़ते अड़ते बची। उसके बाद भी हमारी परेशानी कम नहीं हुई, क्योंकि गाइस अलेवा धाम जाने का रास्ता जो मेन रास्ता है, हम उस रास्ते से थोड़ा सा भटक गए थे और हम गलत रास्ते पर चले गए थे। हमने एक गलत रास्ता पकड़ लिया था जो कि बहुत ही छोटा रास्ता था और उसमें बड़ी बस नहीं जा सकती थी। लेकिन हमारे जाबाज ड्राइवर ने हार नहीं मानी और हमें कैसे न कैसे करके अलेवा धाम पहुंचा दिया। तो भाई, रास्ता भटक जाने की वजह से सुबह के निकले हम, अब जाके पहुँचे हैं और आज पूरा दिन, थोड़ा आधा दिन तो ख़राब हो चुका है। पूरा दिन नहीं गएंगे, पूरा पहुँच गए हैं हम अलेवा धाम। हमारे जस्ट इसी साइड गेट बना हुआ है। अलेवा धाम पहुँचने के बाद हमें थोड़ी दूर पैदल चलकर जाना पड़ा, क्योंकि वो रास्ता छोटे साधनों के लिए बना हुआ था। हमारी बड़ी बस उस रास्ते में नहीं जा सकती थी, इसलिए हमें 500 मीटर की दूरी पर पैदल ही चलकर जाना पड़ा। बहुत ही शांत जगह लग रही है। ये कुंड बना हुआ है दोस्तों, ये पूरा परिसर देख सकते हो आप।
गाइस अलेवा धाम में नहाने के लिए अलग अलग कुंड बने हुए हैं, जिसकी गहराई अलग अलग तरीके से है, किसी में पानी ज़्यादा तो किसी में पानी कम है। अलेवा धाम अलवर जिले के रैणी क्षेत्र के पास डेरा भुलेरी गांव के निकट प्राकृतिक पेड़ पौधों और पहाड़ों के बीच बना हुआ स्थान है। अलेवा धाम रैणी क्षेत्र से करीबन 5 से 6 किलोमीटर दूर पड़ता है। यह क्षेत्र पर्यटकों के हिसाब से बहुत ही अनुकूल स्थान माना गया है। अलेवा धाम में पर्यटकों को लुभाने के लिए झरने व पानी के कुंड बने हुए हैं, जो कि पर्यटकों को अपनी ओर खींचते हैं। देखिए कितना प्यारा वाटरफॉल है। और एक ऊपर भी है यह। ये सीढ़ी चढ़ गए। भैया जगह तो बहुत अच्छी है, कोई ना कोई जगह है। इतना तेज भी नहीं बह रहा है। अलेवा धाम में प्राचीन हनुमान मंदिर तथा संतों के आश्रम तथा उनके तपोस्थल बने हुए हैं। ऋषि मुनियों के हिसाब से यह स्थल बहुत ही उपयुक्त है। यह स्थान हमेशा पर्यटकों से भरा रहता है। यहाँ पर बने प्राचीन हनुमान मंदिर में लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है तथा यहाँ पर सवा मणि का कार्यक्रम भी चलता रहता है। यह 1008 ऋषि की तपोभूमि मानी जाती है। कहते हैं यहाँ पर एक प्राचीन गुफा भी थी, लेकिन सुरक्षा के हिसाब से इसे अब बंद कर दिया गया है। यहाँ पर लेडीजों के नहाने के लिए अलग से कुंड भी बने हुए हैं और जन्माष्टमी पर यहाँ पर एक विशाल मेले का आयोजन भी होता है। नहाते भैया नहाने कर देते हैं, मज़ा फिर दिखाएंगे आपको।
भोलेनाथ का मंदिर बना हुआ है। चलते हैं वापस और अब यहाँ से निकल के वापस जा रहे हैं ससुरा माता के। आते आते काफ़ी लेट हो गया था क्योंकि हम रात का भूल गए थे, तो बहुत ही परेशानियों का सामना करके हमें आना पड़ा। लेकिन हम कैसे कैसे करके पहुँच गए देवधाम, हमने कर लिए हैं दर्शन लगा के। लास्ट अगर चलो गाइज, आपको यहाँ पर खाने पीने की बहुत सारी दुकानें और ठेले मिल जाएंगे जहाँ पर आप नहाने के बाद अपनी भूख मिटा सकते हैं। वैसे हमारा खाना तो बनकर तैयार हो चुका था सरसा माता के जहाँ से हम आए थे, और खाना खाने के बाद हम सब लोग अपने अपने घरों की ओर निकल लिए। तो दोस्तों, आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में जाकर ज़रूर बताएं। हमारी आने वाली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।